अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माशाल्लाह गुड सेल। मेरा नाम मोहम्मद अजहर है और आज मैं आरिफ भाई के पास, जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे आए भाई का बेहतरीन शौक़ है विलायती में और गुंटूर में ख़ास, और इसमें कुछ सेल के लिए भी जानवर हैं, तो वो भी बताऊंगा प्राइस डिटेल्स के साथ में। आप वीडियो को एंड तक देखिए। भाई का जो एग्जैक्ट लोकेशन है, पत्थर का मकान और आफरीन फंक्शन हॉल करके है यहाँ पे लैंडमार्क, तो आप वहाँ पे आ सकते हैं, आके कॉल करें, याकूबपुरा लोकेशन है। तो आइए और भी डिटेल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई। वालेकुम सलाम आरिफ भाई। अभी जो है अपने पास सेल के लिए क्या जानवर हैं? सेल के लिए ये गुंटूर का बच्चा है भाई जी। ये कम से कम 7 से 8 महीने का बच्चा है। अच्छा, मैं अपने घर पे जो है शौक करने के लिए लाया था। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन क्वालिटी में जानवर है ये, और सिंग बहुत मोटे आ रहे हैं आरिफ भाई इसके। सिंग इसके मोटे आने की वजह ये है, ये नस्ल में है ये जी। बास गुंटूर को जो क्वालिटी के जो नस्ल में आते वो लोग को जो है सिंग बहुत काफी बचपन से मोटे स्ट्रक्चर में आते। मैं सिंग खींचूंगा सोचा, लेकिन सिंग इसके तकरीबन मेरे को मोटे दिखे, तो इसलिए वजह से मैं सिंग नहीं खींचा इसके। जी जी, ऑलरेडी जड़ से मोटे आ रहे, तकरीबन बारीक आते। अभी इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है माशाल्लाह से वो शानदार है ये बच्चा जी। लाइफ एड में कितना हो सकता है आरिफ भाई? लाइफ एड में कम से कम 23 से 25 आएगा इंशाल्लाह जी। हो सकता है, देख सकते हैं आप बबरी करेसो इसकी, यानी कटिंग करेसो है। आप इसकी हाइट लंगड़ देखें, ये शौकीन के हाथ का बकरा है, जैसा कि आप प्रीवियस भी देखें, और आप स्क्रीन पे फोटो भी देख सकते हैं भाई का। ऑलरेडी ये बकरा बकरीद में कटासो है, खुद इनके पास पाल के कटाएसो बकरा है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और भाई जो है पूरे सिलेक्टेड जानवर रखते। अब इनके हाथ का पलेवा आपको जानवर मिल रहा तो बहुत अच्छी बात है, आपको देखने की सोचने की जरूरत ही नहीं है चीज के हद तक। कम से कम 3 या 4 महीने से हाथ से पल रहा है बच्चा है भी। जी जी हाँ। आप खाने के लिए क्या देते हैं इसको? मैं मॉर्निंग में देखिए इसको थोड़ा सा जौ देता हूँ जी, उसके बाद सूखा चारा दे सकते हैं आप, जैसा कि घास है और पत्ता वगैरह है मॉर्निंग में दे देना, उसके बाद शाम में जो है इसको चुन्नी देता हूँ मैं। अच्छा, और हर 2 महीने में एक बार इसको डिवॉर्मिंग करना है। 352 जो येलो कलर का बॉटल आता, अभी इसके वेट के हिसाब से आप इसको 10 ml देना। अच्छा, कौन सा दवा का नाम बोल सकते हैं? लीफ 52 आता, एक 10 ml देना मॉर्निंग में। 352 देने के कम से कम 1.5-2 घंटे तक आप इसको दाना पानी वगैरह कुछ भी नहीं देना, 1.5-2 घंटे के बाद आप दे सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, और मेन चीज आप ये बताइए, अगर आप जानवर कहीं से हम खरीद रहे गुंटूर का, तो उसमें क्या स्पेशलिटी देखना चाहिए? पहले सबसे पहले तो ये देखना है कि बकरे का जो है बॉडी का साइज कैसा है, बॉडी का स्ट्रक्चर। बास बकरे जो है नटिया टाइप में रहते जी, गिड्डे आते थोड़े, गिड्डे जैसे आते। बास बकरों के जो है पैर छोटे रहते, तो फ्रेम बड़ा होना चाहिए कभी भी मेंढे में। अपन उसको वेट बढ़ाने के लिए बाद में कर ले सकते हैं, लेकिन बकरे में जो है अगर फ्रेम बढ़ा रहा तो बकरा जहां तक हो सके वेट करता आगे चल। जी, यानी हाइट में अभी से ही अच्छा रहना चाहिए, अगर गिड्डा बकरा रहा तो नहीं बन सकता हो। नहीं नहीं, आप ये पॉइंट देखें इसमें। 4 महीने का रहना बच्चा जी, 4 महीने एज का रहना मिनिमम, यानी कंप्लीट दूध का जो पोषण रहता है उसका वो कंप्लीट रहना चाहिए जी। आप लास्ट टाइम मेरे वीडियोज में भी आए थे जब मेरे पास गुंटूर का भी लॉट आया था, तो भाई को एक्सपीरियंस माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। आप अगर कुछ इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो अजीम भाई को कॉल कर सकते, सॉरी आरिफ भाई को कॉल कर सकते आप। और ये ब्राउन वाइट कलर में है, इसका क्या प्राइस कोट कर रहे हैं आरिफ भाई? 12,500 में आएगा आपको ये जी। मैं स्लाइडली निगोशिएबल करूंगा, 12,500 अच्छा प्राइस रखे भाई, और नेगोशिएबल भी प्राइस है। इसके अलावा भाई के पास और एक तेलंगाने का भी है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आरिफ भाई का तेलंगाने का बच्चा है। माशाल्लाह आप हाइट लंगड़ देखें इसकी, सिंग भी मार्बल सिंग में है, बहुत वेटेड बच्चा है। आरिफ भाई इसकी क्या डिटेल है? ये जो है अभी फ्रेश, अभी दो दांत कियासो है, और कम से कम 35 से 40 kg के अंदर आएगा इसका वेट। मैं क्या नहीं अप्रॉक्सिमेट बता रहा हूँ जी, यानी एक अंदाजा है भाई का 35 to 40 kg लाइफ वेट में हो सकता जी। क्या प्राइस बोल रहे हैं आप इसका? 17,500 होगा, इसमें स्लाइडली निगोशिएबल हो जाएगा जी, और इंशाल्लाह मैं आपको टाइटल में इसका नंबर जो है डाल दूंगा। अच्छा, ये जानवर अगर आपको खरीदना है तो जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है आपको इस पे कॉल करें और बात करें इसे। अजीम भाई इसके पीछे के पैर में थोड़ी लचक दिख रही, क्या है उसका?
सीन। इसको ये पैर में जो है ये बकरा जी नहीं उधर का पैर है, ये पैर है जी। तो रस्सी पैर में आ गई थी बोल रहे हैं आप? ये रस्सी पैर में आने की वजह से इसमें ये जॉइंट में पेन हो गया था जी। अल्हम्दुलिल्लाह इसका ट्रीटमेंट तो चल रहा, अल्लाह ने चाहा तो ठीक हो जाएगा ये जी। जी तो आप ये देख सकते हैं, ये बता के बेच सेल कर रहे भाई। अगर कोई भाई इंटरेस्टेड है तो कॉल करें। इसके अलावा भाई का जो विलायती बकरे हैं जो सिर्फ शो क्वालिटी के हैं, शो करने के लिए बता रहा हूँ, भाई का शौक देखिए आप। विलायती ऐसे हो सकते, खाली खिलाई खिलाई पे है। और भाई से डाइट भी पूछेंगे, क्या डाइट दे रहे भाई। देख सकते आप हाइट लंगर माशाल्लाह इसकी, करीब से जूम करके बता रहा हूँ, इसके फ्रेम में नहीं आ रहे फ़ोन के माशाल्लाह। भाई इसके सिंह खिंचाए सो है आरिफ भाई, इसके सिंह खींचे हुए हैं भाई जी माशाल्लाह, बहुत राउंडिंग में है। कितने दांत पे है ये? फ्रेश ओपन हुआ अभी अभी, फ्रेश ओपन पे। लाइफ वेट कितना हो सकता है आरिफ भाई इसका? वेट देखिए कम से कम 95 से 98 पॉसिबल है, देख सकते आप माशाल्लाह संभल रहा नहीं जानवर है। तो आरिफ भाई इसको खाने के लिए क्या देते आप? यानी इतना बड़ा हाइट लंगर में जानवर है तो खाने के लिए भी कुछ अच्छा ही होगा इसके लिए? हाँ, इसको मॉर्निंग में जो है मैं गेहूँ देता हूँ जी, और पत्ता वगैरह है। रात में 9-10 बजे के टाइम पे चुनी देता हूँ इसको फिर। अच्छा, तो यानी कितनी क्वांटिटी में? क्वांटिटी में देखो एक 8 kg गेहूँ है जी, उसके बाद सूखा दाना है, फिर शाम में तकरीबन 1 kg सूखी चुनी, मतलब भिगा के देंगे तो आप कम से कम वो 3 kg के ऊपर हो जाएंगे जी, वो देता हूँ माशाल्लाह। आप खादगी देखें और आप भी ऐसी कंटिन्यू करें, खिलाई पिलाई अच्छी रही तो जानवर भी अच्छा होता। यानी हर चीज़ बकरे पे ही नहीं रहती, आप पे भी रहती, आपको भी खिलाना पिलाना तैयार करना है। तो आरिफ भाई इसका कुछ सेल करने का इरादा है आपका? जी हाँ, सेल करने का है ना इरादा जी। क्या प्राइस बोल रहे हैं आप इसका? इसका कॉल करेंगे तो बोल दूंगा। अच्छा, अगर कोई भाई इंटरेस्टेड है तो भाई के नंबर पे कॉल करें। मेंढा जो है बड़ा है और हेवी है जी, तो उसके साथ जो है इसका प्राइस भी थोड़ा ज्यादा रहेगा। हाँ, बकरे के जैसा माल रहेगा वैसा मोल तो लगेगा भाई। नॉर्मली आपको 50-40 kg के बकरे जो है कम प्राइस में मिलते हैं, लेकिन ये मेंढा बड़ा है इसका प्राइस ज्यादा रहेगा जी, इसके लिए मैं इसका प्राइस नहीं बोल। आरिफ भाई आपका मोबाइल नंबर बोलिए। 9963881557 जी। और एक नज़र आपका जो ये पीछे वाला बकरा है ये भी शो करेंगे। ये माशाल्लाह पूरा गुलाबी में है ये भी बच्चा, देख सकते हैं आप। ये वेट में भी इसके बराबर है आरिफ भाई? हाँ इंशाल्लाह आ जाएंगे, उसको ज़्यादा डिफरेंस नहीं है माशाल्लाह। आप गर्दन देखें इसकी, हाइट लंगर देखें, बहुत खूबसूरती में जानवर है माशाल्लाह। सिंह भी इसके राउंडिंग में है। लास्ट टाइम में एक मेरे वीडियो में भी डाला था ये बकरा, देख सकते आप गर्दन माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है इसकी। तकरीबन विलायतियों की तो गर्दन माशाल्लाह अच्छी रहती है जी, लेकिन ये क्वालिटी में रहने की वजह से ये बकरे की जो है गर्दन का साइज बहुत बड़ा है माशाल्लाह। आरिफ भाई इसका कुछ सेल करने का इरादा है आपका? हाँ सेल तो करने का इरादा है, लेकिन पार्टी से जो है इसकी बातचीत चल रही है मेरी जी। जी ऑलरेडी किसी से बात चल रही सेल करने का है भाई को। और अगर कोई भाई इंटरेस्टेड है तो इसके लिए भी कॉल करें भाई को। तो आज की मेरी जो वीडियो है यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इसी तरह के डेली वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करिए भाई चैनल को, और कमेंट्स भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।